हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए शेयर करने वाली हूँ बिना सीड्स बनाए स्प्रिंग रोल। तो चलिए जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे गैस पे रख लिया है एक पैन, और उसमें डाला है 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। तो जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो उसमें डालना है 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन। तो मैंने 8 से 10 जो है वो लहसुन की कलियां लिया है, और इनको अच्छे से गोल्डन कर लेना है। इसे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप लहसुन नहीं खाते हैं तो इसकी भी कर सकते हैं। तो जब लहसुन में कलर अच्छा से आ जाए तो इसमें हम डालेंगे प्याज। तो मैंने 2 बारीक मीडियम साइज के प्याज कटके काट लिया है, जिसको कि मैंने लंबे शेप में बारीक काटा है, और इन्हें हल्का सा जो है वो ट्रांसपेरेंट करेंगे ताकि जो प्याज का कच्चापन है वो निकल जाए। बहुत ज़्यादा सब्जियों को हमें नहीं पकाना है, बस 1-1 मिनट के लिए। तो प्याज को पकाते हुए 1 मिनट हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज के गाजर, जिसको कि मैंने बारीक काटा है और लंबे शेप में। तो सारी सब्जियाँ बारीक कटी होगी और बहुत ही कम ही से फ्राई करना है। इसके बाद मैंने लिया है 1 बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, और साथ में 1 टुकड़ा पत्ता गोभी का, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। तो हाई फ्लेम पर 1 से 2 मिनट के लिए बस हम सब्जियों को कुक करेंगे ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, बहुत पकाना नहीं है। तो चलाते हुए फ्रेंड्स 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें कुछ सॉस ऐड करेंगे, जिसे हमें एकदम चाइनीज वाला स्प्रिंग रोल का टेस्ट है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ पे डाल रही हूँ स्वाद अनुसार नमक। तो नमक बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि अभी हम इसमें सॉस डालने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच रेड चिली सॉस, 2 बड़े चम्मच टमाटो केचप, और साथ में 1 चम्मच सोया सॉस। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए वापस इसे पकाएंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो लास्ट में फ्रेंड्स मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ग्रीन ओनियन की पत्तियाँ। है तो डालें, नहीं है तो आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। तो तैयार हो गया हमारे स्प्रिंग रोल की स्टफिंग, जो बहुत ही कम समय में और बहुत कम सामान में बन के तैयार होती है। तो चलिए अब इसे साइड में रख देते हैं और स्प्रिंग रोल के लिए सीड्स तैयार करते हैं। तो सीड्स बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे लिया है 1 कटोरी मैदा। तो मैं यहाँ पे बिना घोल वाले सीड्स बनाऊंगी। तो मैदे में मैं मिला रही हूँ चुटकी भर नमक, और नमक को ऐड करने के बाद हम इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। जैसे हम रोटी बनाने के लिए डो तैयार करते हैं, वैसे ही टाइट नहीं डो बनाना है, सॉफ्ट ही बनाना है। तो अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेंगे। तो डो रेडी हो गया है। तो इसके बाद फ्रेंड्स मैं हाथों को थोड़ा सा क्लीन कर लेती हूँ, और क्लीन करने के बाद हम इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे। और जैसे हम रोटी बेलते हैं बिल्कुल वैसे ही इसे बेलेंगे। जितना पतला हो सके आप उसे मैदे के आटे को उतना पतला बेल लीजिए। छोटी छोटी लोइयाँ लेना है, तो मैं एक साथ 2 लोई लिया है मैंने, और हल्का सा इस पर पहले सूखा आटा लगा देते हैं, और जो दूसरा वाला लोई है उस पर मैं लगाऊंगी हल्का से ऑयल, और इसे एक दूसरे के ऊपर रख करके बेलेंगे जैसे हम डबल रोटी बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। तो एक साथ हमारे 2-2 जो है वो शीट्स तैयार होंगे। अब जैसे हम रोटी बेलते हैं हल्के हाथों से, उसी तरीके से हमें इन्हें बेल करके तैयार करना है। तो मैंने यहाँ पे फ्रेंड्स मैदे की रोटियाँ बना करके तैयार की है। देखिए एकदम पतला सा, इसमें 2 रोटी अभी निकलेंगी। तो अब इन्हें सेक लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने गैस पे तवा रख दिया था,
अभी सेकना है तो बहुत ज़्यादा नहीं सेकेंगे, बस इतना सेकेंगे कि ये जो है ऊपर से सूख जाए, जैसे हम रोटी सेकते हैं उतना नहीं सेकेंगे। तो एक साइड से ये सीक गया है, दूसरी साइड भी हल्का सा पलट करके एक मिनट के लिए सेक लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरी तरफ से भी ये सीख गया है, हमें इनका कलर चेंज नहीं करना है, बस हल्का हल्का करके सेक लेना है ऐसे ही सारी रोटियों को। और उसके बाद सेकने के बाद हम एक एक करके बीच से निकालते जाएंगे, बहुत ही इजीली ये देखिए निकल जाता है। तो एक ही साथ हमारे दो दो शीट्स बन करके तैयार हो जाते हैं, और इस तरीके से हम शीट्स को अलग कर लेंगे। और जो किनारे का मोटा लेयर है फ्रेंड्स, उसे हम तोड़ करके निकाल लेंगे या कैंची से काट करके, ताकि ये मोटा ना रहे। तो शीट्स बन करके तैयार हो गए हैं, अब चलिए बनाते हैं हम स्प्रिंग रोल। तो उससे पहले हम घोल तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है 2 चम्मच मैदे का आटा, और उसमें हम है पानी डाल करके इसका एक घोल तैयार करूँगी, जिससे हम शीट्स को चिपकाएंगे। तो पतला घोल तैयार करना है। तो घोल भी रेडी हो गया है, अब हम स्प्रिंग रोल बनाते हैं। तो उसके लिए मैंने पहले एक शीट्स ले लिया है, और उस पर जो हमने स्टफिंग बना करके रखी थी उसे फिल करेंगे, और किनारे पर जो हमने घोल बना के रखा था उसे लगा देंगे। इससे जो शीट्स है वो खुलती नहीं है, तो चारों तरफ से पहले घोल को लगा देंगे, और उसके बाद हम किनारे किनारे से इसे मोड़ेंगे, जैसा कि आप हमारे वीडियो में देख रहे हैं। इससे ऑयल अंदर नहीं जाता है और स्प्रिंग रोल एकदम सेट रहता है। तो इस तरीके से मोड़ने के बाद हम इसका एक राउंड शेप देंगे, और हल्के हाथों से इसे प्रेस करते हुए दबाएंगे, और घोल की वजह से ये अच्छे से चिपक जाता है। तो तैयार हो गया हमारा स्प्रिंग रोल बिना सीड्स के। तो थोड़े बहुत जो खुले रहेंगे हम उन्हें अंदर भर देंगे। तो इसी तरीके से हम बाकी के सारे रोल्स बना करके तैयार कर लेंगे। तो अब आ रही है फ्रेंड्स इन्हें फ्राई करने की। तो फ्राई करने के लिए मैं एक घोल फिर से तैयार करूंगी, जिससे हमारा स्प्रिंग रोल क्रंची बने। तो इसके लिए 1 कटोरी मैदा, 1/4 कॉर्नफ्लोर और हल्का सा नमक डाल करके हम इसका एक घोल तैयार करेंगे। तो घोल हम बहुत गाढ़ा नहीं रखेंगे, पतला रखेंगे। इससे जो हमारा स्नैक्स है वो एकदम क्रंची बनता है, और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो पानी डालते हुए घोल तैयार कर लेंगे। तो तैयार हो गया हमारा स्प्रिंग रोल का घोल। तो अब एक एक स्प्रिंग रोल इस घोल में डीप करते हुए हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पैन में पहले से ही तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। तो एक एक डीप करते हुए रोल पैन में फ्राई कर लेंगे। तो मीडियम फ्लेम पर उलटते पुलटते हुए हम इन्हें एकदम गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। इससे ये क्रंची भी होते हैं मीडियम फ्लेम पे। तो उलटते पुलटते हुए फ्रेंड्स जो रोल्स है वो एकदम अच्छे से गोल्डन कलर आ गए हैं, देखने में टेस्टी होते हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी। तो जब भी मन करे स्प्रिंग रोल खाने का, आप घर पे ही बहुत ही इजीली तरीके से इन्हें बना सकते हैं। तो तैयार हो गया है हमारा स्प्रिंग रोल, जिसको कि हमने बिना सीड्स के बनाए हैं, बहुत ही इजी तरीके से, खाने में बहुत ही क्रंची। मैं इसे काट करके आपको दिखाती हूँ, अंदर से स्टफिंग भी बहुत ही अच्छी है। तो फ्रेंड्स एक बार आप इस तरीके से स्प्रिंग रोल ज़रूर बनाइएगा, बनाने में बहुत ही आसान है तरीका इसका, और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।